नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नेता कुर्सी से ऐसे चिपका कि उन्होंने अपना आत्मसम्मान क्या ही इधर तो कभी उधर, अपने अस्तित्व को ही बेच दिया। दोस्तों बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कि बिना मंत्री पद के कभी रहे ही नहीं, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे वो राज्य बिहार की राजनीति हो, हमेशा वो कुर्सी मंत्री पद से चिपके ही रहे हैं। जब जहां जरूरत पड़ी उन्होंने पाला बदल लिया, वो इधर से उधर चले गए। उनके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, उनके लिए कोई दल मायने नहीं रखता है। वो हमेशा से बस एक ही उनका विचार इरादा रहा है कि उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो केंद्र में मंत्री का पद हो। नीतीश कुमार के बारे में पहले मैं बता दूं, नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे, उन्होंने 1972 में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आज की डेट में NIT पटना है, वहां से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद ही उनको बिजली बोर्ड में नौकरी मिल गई और वो नौकरी करने लग गए, लेकिन उनका मन इस जॉब में, इस नौकरी में नहीं लगा। आधे अधूरे मन से वो लगे रहे, लेकिन बीच में होता है एक बहुत ही विशाल जन आंदोलन, जी हाँ, जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण आंदोलन। इस संपूर्ण आंदोलन ने नीतीश कुमार को एक इंजीनियर से बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बना दिया। नीतीश कुमार एक बड़े समाज सेवी सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बहुत करीबी थे, बिहार के जाने माने समाज सेवी रहे हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा, और नीतीश कुमार की मुलाकात उनसे उसी समय हुई थी। जन आंदोलन के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि कैसे जय प्रकाश नारायण का एक संपूर्ण आंदोलन है जो कि जून में रखा गया है, और इस आंदोलन को सफल बनाना है। अगर ये आंदोलन सफल होता है तो समझ लो कि देश में एक नई क्रांति आ जाएगी, देश में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। नीतीश कुमार भी, उनका मन भी इन्हीं सब चीजों में लगता था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से, थोड़ा बहुत राजनीति के टच में थे। सत्यनारायण सिन्हा नीतीश कुमार की मुलाकात करवाते हैं जयप्रकाश नारायण से, और वहीं से नीतीश कुमार का मन मूड चेंज हो जाता है। दोस्तों जून 2074 में जयप्रकाश नारायण का एक विशाल जन आंदोलन होता है जिसका नाम दिया जाता है संपूर्ण क्रांति। इस क्रांति ने पूरे देश के युवाओं को और बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ दिया, जिसमें कि लोगों ने अपना अपना काम छोड़ के इस आंदोलन में जुड़ गए। वहीं नीतीश कुमार और साथ में जुड़ते हैं लालू यादव। आज के बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े दलों के नेता हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, ऐसे लोग उस क्रांति से, संपूर्ण क्रांति से जुड़ जाते हैं। पटना के गांधी मैदान में ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन होता है, जय प्रकाश नारायण की अगुवाई में किया जाता है। वहां पर ये सारे के सारे लोग जमा होते हैं, बहुत सारे लोग वहां भीड़ जमा, लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है। बहुत सारी क्रांति, कभी इस संबंध में एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं आगे आने वाले टाइम पर, जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, जिसने की पूरे देश को ही बदल दिया और आज ही हिला दिया, इंदिरा गांधी की सरकार ही चली गई थी उस समय। दोस्तों बहुत ही प्रभावित होते हैं जयप्रकाश नारायण के उद्घोषण से, भाषण से, उनके व्यक्तित्व से, तो ये सभी के सभी उसमें शामिल हो जाते हैं। वहां से शुरुआत होती है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में। ये सभी लोग जेल भी जाते हैं कई बार इस क्रांति के चक्कर में। नीतीश कुमार पहली बार विधायक बनते हैं 1985 में, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो ये उस समय चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों से चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। 1987 में इनको युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1989 में नीतीश कुमार को जनता दल का सचिव बनाया जाता है, और उसी साल 9वीं लोकसभा के ये सदस्य चुने जाते हैं। नीतीश कुमार का करियर तो मानो की उछाल ही मार रहा था। नीतीश कुमार इतने संघर्ष पूर्ण नेता थे उस समय के दौर में, इतने संघर्षशील थे वो, और सिर्फ समाज और देश के लिए ही सोचते थे, अपने प्रदेश के लिए सोचते थे, युवाओं के लिए सोचते थे। लेकिन होता है ना, जब आप किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हो तो फिर ये जो पद, ये गरिमा, ये प्रतिष्ठा, ये आपका सम्मान, वो लगातार बढ़ता जाता है। वही हाल नीतीश कुमार के साथ हुआ। नीतीश कुमार को कई सारे पद, कई सारे मंत्री पद ऑफर किए जाने लग गए, और वो जहां से भी चुनाव लड़े हमेशा जीतते जाए। नीतीश कुमार पहली बार 1990 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बतौर कृषि राज्य मंत्री नीतीश कुमार को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 1991 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुने गए, और इस बार फिर उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1998 से 1999 के बीच वे
बिजली व रेल भूतल परिवहन के मंत्री बनाए गए, लेकिन कुछ दुर्घटना रेल दुर्घटना होने की वजह से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो बता दें 1970 के दौर के जो ये बड़े प्रभावशाली नेता हुए, समाज सेवी हुए, जैसे कि आज की डेट में भारत रत्न मिल रहा है कर्पूरी ठाकुर जी को, ये हुए लोकनायक जयप्रकाश हुए, महान समाज सेवी सत्येंद्र नारायण सिन्हा हुए, इन सब की छाप और इनका आशीर्वाद नीतीश बाबू को मिला और यही कारण है कि ये उनकी विचारों को लेकर आगे बढ़ते गए। आज के सर्वोसर्वा अपने अपने दलों की, अपने अपने पार्टियों की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, यादव थे और रामविलास पासवान थे, इन सब लोगों ने काफी संघर्ष किया है अपने समय पर, तब जाके वो अपना अपना दल बना पाए, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर पाए और कहीं जाके आज शिखर पर हैं। 2000 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कई दल एक दूसरे के बिना सपोर्ट के चुनाव मैदान पर आए, मकसद के वो एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी 7 दिनों के लिए। समय बहुमत के लिए 163 सीटें चाहिए होती थी, एनडीए के पास मात्र 151 सीटें थी, वहीं लालू यादव के पास में 159 सीट थी। बाद में लालू यादव ने जोड़ तोड़ करके इधर उधर से अपना सरकार बनाई और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन नीतीश बाबू कहां शांत बैठने वाले थे, उन्होंने अपना केंद्र का रुख किया, केंद्र में वो फिर आ गए, केंद्र में उन्हें फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया। सन 2001 से लेकर 2004 तक वो केंद्र में वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहे। सन 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बाबू दो जगह से चुनाव लड़े, बाढ़ और नालंदा। बाढ़ से वो चुनाव हार जाते हैं, नालंदा से वो चुनाव जीत गए। वहीं एक साल बाद जब 2005 में बिहार का चुनाव होता है तो नीतीश बाबू भारी बहुमत से एनडीए और नीतीश बाबू मिलकर सरकार बनाते हैं, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनते हैं और तब से लेके अब तक का सफर आज के जो लोग हैं वो देख ही रहे हैं। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे उनको आरजेडी से समर्थन लेना पड़ रहा हो, एनडीए से लेना पड़ा हो या किसी अन्य दल से, कांग्रेस से, वो हमेशा ही बिहार के मुख्यमंत्री, भले ही 2-4 महीने के लिए इधर या उधर हुआ हो पासा, ता बदलने में वो कभी देर नहीं लगाते हैं। जब उनको हमेशा से ही एक प्रेम हो गया है बिहार के मुख्यमंत्री पद से, बिहार का मुख्यमंत्री पद वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे उनको अपना आत्मसम्मान बेचकर बीजेपी में शामिल होना पड़े, एनडीए के साथ जाना पड़े या फिर आरजेडी के साथ में, लालू यादव के साथ में जाना पड़े, कंप्रोमाइज करते हैं 4-6 महीने साल भर, जब उनको लगता है कि अब पड़ रहा इधर का भारी हो रहा है तो वो पाला बदल कर इधर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चूंकि उन्होंने शुरुआती दौर पर इतना संघर्ष किया हुआ है कि आज भी उनकी रिस्पेक्ट बनी हुई है, भले ही उन्होंने कुछ ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी उनकी छवि धूमिल हुई है, लेकिन आज भी लोग उनको जानते हैं, चाहते हैं कि नीतीश बाबू करप्ट नहीं है, बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं है। दूसरा, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जो भी बिहार का नाम किया है, बिहार के लिए काम किया है, वो कहीं धरातल में तो दिख नहीं रहा है, फिर भी चलो शांति व्यवस्था बनाए रखा है उन्होंने और कुछ ना कुछ अपना लगे रहे। इस तरह से नीतीश बाबू 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 15 साल पुरानी आरजेडी लालू यादव की सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। इन 5 सालों में काफी काम करते हैं, वो बिहार का काफी काम करते हैं बिहार के लिए और हर को गरीबी और राज्यों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लालू और नीतीश की जो मुलाकात है वो जेपी आंदोलन में ही हुई थी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने करवाई थी, दोनों के ही गुरु सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। तो इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर के बाद दोनों लोकसभा चुनाव लड़े, दोनों ही काफी अच्छे मतों से चुनाव जीते। अपने अपने क्षेत्र के ये धुरंधर हैं। बने रहिए चैनल फाइंडोस पर, चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।